हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से आउट की गई है। कौन कौन से वैकेंसी कैटेगरी क्या देने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करके आपके सामने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको करियर सेक्शन में वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स आपको फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर दिया गया है नॉन टीचिंग पोजिशन की ये वैकेंसी है। इस पर व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर नॉन टीचिंग पोजीशन में वैकेंसीज दी गई हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। इसके अलावा असिस्टेंट लाइब्रेरी की भी वैकेंसी है, तो मैं यहाँ पर ग्रुप सी के लिए डिटेल्स में बात करूँगी। तो देख लेते हैं ग्रुप सी में क्या डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। इसे मैंने डाउनलोड कर लिया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर AUNT/04/2024 दिया गया है। परमानेंट पोजीशंस की वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे 1 अप्रैल तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व EWS OBC के लिए यहाँ पर 1600 फीस पे करनी होगी। SC ST को 800, PWD के लिए 100 की फीस आपको यहाँ पर पे करनी होगी। वैकेंसी में यहाँ पर एनिमल अटेंडेंट में 3 वैकेंसी है, असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन में भी 3 है। एनिमल में अटेंडेंट में लेवल 1 की सैलरी है, जबकि असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन में लेवल 3 की सैलरी है। डार्क रूम असिस्टेंट में 2 वैकेंसी है, लेवल 1 की सैलरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 4 वैकेंसी, लेवल 4 की सैलरी है। ड्राफ्ट्समैन में 2 वैकेंसी, लेवल 4 की सैलरी है। ड्राफ्ट्समैन कम इंस्ट्रक्टर में लेवल 5 की सैलरी है, 1 वैकेंसी है। ड्राइवर में लेवल 2 की सैलरी है, 1 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। फील्ड असिस्टेंट में भी लेवल 2 की सैलरी है, 2 यहाँ पर पोस्ट है। ग्राउंड्समैन, वाटरमैन के लिए 2 वैकेंसी है एंड हार्बेरियम अटेंडेंट के लिए भी 2 वैकेंसी, लेवल 1 की सैलरी दोनों में दी गई है। हैंडी टाइपिस्ट में भी लेवल 2 की सैलरी 1 वैकेंसी है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में 41 वैकेंसी दी गई, अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर है, लेवल 2 की सैलरी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट में 8 वैकेंसी, लेवल 4 की सैलरी। लाइब्रेरी असिस्टेंट में 19 वैकेंसी, लेवल 4 की सैलरी है। लेबोरेटरी अटेंडेंट में 30 वैकेंसी है, लैबरेटरी अटेंडेंट में 12 है एंड मार्क्समैन में 1 है एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS में 141 वैकेंसी है। इन सभी में लेवल 1 की सैलरी है। बात कर लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर मेल में 1 वैकेंसी, लेवल 4 की सैलरी। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में 7 वैकेंसी है, लेवल 5 की सैलरी है। सर्वे ड्राफ्ट्समैन में 1 वैकेंसी है, लेवल 5 की सैलरी है। वर्क एजेंट में 1 वैकेंसी है, लेवल 1 की सैलरी है। एक्सरे टेक्नीशियन में भी 1 है, लेवल 5 की सैलरी है। वायरमैन में 2 वैकेंसी, लेवल 2 की सैलरी। मैकेनिक में 17 वैकेंसी यहाँ पर दी गई, लेवल 2 की सैलरी यहाँ पर मिलेगी। इनकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एनिमल अटेंडेंट में 35 ईयर एज मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से पोस्ट पर फॉलो होगा। 10+2 यहाँ पर मांगा गया है साइंस सबमिट के साथ में। 2 ईयर का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन में भी 35 ईयर की एज दी गई है। यहाँ पर डिप्लोमा इन ड्राफ्टिंग आर्किटेक्ट में मांगा गया है। डार्क रूम असिस्टेंट के लिए 30 ईयर की एज मांगी गई है। यहाँ पर भी डिप्लोमा मांगा गया रिलेवेंट सब्जेक्ट में। डेटा एंट्री ऑपरेटर में 35 ईयर मांगी गई है। अगर आपके पास BCA या ग्रेजुएशन विद PGDCA है या BSc कंप्यूटर साइंस या IT में है या BBIT में है, साथ ही आपके पास टाइपिंग एक्सपीरियंस कंप्यूटर का नॉलेज है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन में भी 35 ईयर एज दी गई है। अगर आपके पास डिप्लोमा आर्किटेक्चर या IT या डिप्लोमा ड्राफ्ट्समैन सिविल में है एंड 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ड्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर में भी 35 ईयर एज मांगी गई है। डिप्लोमा ड्राइंग या सर्वेइंग में मांगा गया है। ड्राइवर के लिए भी 35 एज मांगी गई है। 10th क्लास के बाद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एंड 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फील्ड असिस्टेंट में 18 से 30 साल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन ड्राइंग या सर्वेइंग में मांगा गया है। ग्राउंड्समैन या वाटरमैन में 30 ईयर की एज है। यहाँ पर 10th क्लास पास आउट मांगा गया है या इसके उपलब्ध डिग्री तो अप्लाई कर सकते हैं। हर्बेरियम अटेंडेंट के लिए 35 ईयर एज मांगी गई है। अगर आपके पास 10th+2 बायोलॉजी में है तो अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी टाइपिस्ट के लिए 30 ईयर की
की एज मांगी गई है 10+2 के साथ में हिंदी में टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में 30 ईयर की एज यहाँ पर मांगी गई, ग्रेजुएशन के साथ में भी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट में 30 ईयर की एज के साथ में अगर आपके पास BSc फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी साइकोलॉजी कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन डिफेंस स्टडीज या स्टैटिक्स या होम साइंस में तो अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पे इंग्लिश में मांगी गई है। लेबोरेटरी अटेंडेंट असिस्टेंट में 30 ईयर की एज के साथ में ग्रेजुएशन लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस में मांगा गया है। लेबोरेटरी अटेंडेंट में 30 एज मांगी गई है 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लाइब्रेरी अटेंडेंट में 30 ईयर की एज मांगी गई है और यहाँ पर 10+2 के साथ में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस में मांगा गया है। मार्क्समैन के लिए 30 ईयर की एज मांगी गई है, 10th क्लास पास आउट मांगा गया है। या ITI हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। MTS में 30 ईयर की एज मांगी गई है, 10th क्लास पास आउट मांगा गया है। या आप ITI पास आउट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ में अलग अलग दी गई है। इसमें प्लम्बर में है, इलेक्ट्रीशियन मांगा गया है, पंप ऑपरेटर यहाँ पे मांगा गया है, कारपेंटर में, कुक में एंड किचन अटेंडेंट में, हेल्प डेस्क क्लर्क में, हाउसकीपर में एंड इन सभी में आपके पास अगर 10th क्लास पास आउट है साथ ही आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन सभी सेक्टर में है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर में 35 ईयर के साथ में 10+2 मांगा गया है साइंस सब्जेक्ट के साथ में, आपके पास BSc नर्सिंग में है या GNM में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में 35 ईयर की एज मांगी गई है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस भी मांगा गया है। सर्वे ड्राफ्ट्समैन में 35 ईयर की एज मांगी गई है, डिप्लोमा इन सर्विंग या ड्राफ्टिंग भी मांगी गई है। वर्क एजेंट के लिए 35 ईयर एज के साथ में ITI इलेक्ट्रिकल में मांगा गया है। वायरमैन में भी 30 ईयर की एज मांगी गई है, सर्टिफिकेट कोर्स इलेक्ट्रिकल ट्रेड में मांगा गया है जो कि ITI या वायरमैन कोर्स में भी आपके पास ITI है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन में 35 ईयर की एज मांगी गई है, इसके अलावा डिप्लोमा एक्सरे टेक्नोलॉजी में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक में 35 ईयर की एज के साथ में यहाँ पे 10th क्लास पास आउट मांगा गया है या आपके पास ITI डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड ग्रुप सी के लिए यहाँ पर एज 35 ईयर ज़्यादातर मांगी गई है। देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है, वेबसाइट पर विजिट कर लेते हैं। क्लिक है नॉन टीचिंग पोजीशन की एक लिंक दी गई, इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा साइनअप पे जा करके, जिसमें आपका ईमेल आईडी कन्फर्म करना है, पासवर्ड क्रिएट करके पासवर्ड कन्फर्म करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कम्प्लीट कर सकते हैं। देन लॉगिन करके फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके 1 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।